हेलो एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट थ्री। ठीक है, पार्ट थ्री में आपको करवाएंगे आज राइट टू इक्वालिटी, यानी कि आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 18 वाला पोर्शन। तो जल्दी से इसे करते हैं। पहले मैं आपको ये एक डायग्राम दिखा देती हूँ, जिससे आपको क्या है आर्टिकल जो है 14, 15, 16, 17, 18 याद हो जाएगा। ठीक है, तो आर्टिकल 14 में क्या फॉल करता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ। ठीक है, ये आता है, ये मैंने ई बनाया हुआ है, तो ई के सबसे ऊपर वाले डंडे पे क्या हो जाएगा, इक्वालिटी बिफोर लॉ। ऊपर वाला डंडा ही थोड़ा सा लंबा है, तो उसके आगे क्या हो जाएगा, 15। इसमें हो जाएगा प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है, आर्टिकल नंबर 16, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, आपको प्रोहिबिट किया जा रहा है इधर कि डिस्क्रिमिनेट नहीं करोगे, बट 16 में है कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है मैटर्स किसमें, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड। आर्टिकल 17 जो है, देखो 16 जो है वो छोटा डंडी बनाई हुई है, इसलिए इसमें एक ही है। देन 17 में है एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी और 18 में है एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। ठीक है, नीचे वाले जो लाइन है इसमें एबॉलिशन से रिलेटेड है, 17 में है एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी और 18 में है एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। तो हम सबसे पहले बात करेंगे आर्टिकल नंबर 14 के बारे में। आर्टिकल नंबर 14 बात करता है इक्वालिटी। ठीक है, अब देखो आर्टिकल नंबर 14 की मैं पहले आपको बेरेट के जो प्रोविजन है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन की जो बेरेट है उसके प्रोविजन के बारे में बता देती हूँ। आर्टिकल नंबर 14 जो है सिर्फ दो लाइन में खत्म हो जाता है। ठीक है, द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज विद इन द टेरिटरीज ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये दो चीज़ों के बारे में बात करता है। पहली चीज़ है इक्वालिटी बिफोर लॉ, दूसरी चीज़ है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ठीक है, तो सबसे पहले आपसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं मेंस में कि इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, मेंस में या किसी भी एग्जाम में, आपके अकेडमिक्स में भी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें याद रखना है कि इक्वल बिफोर लॉ, इक्वल बिफोर लॉ यानी कि कोई भी दो लोग हैं, ठीक है, दोनों में बहुत इनइक्वालिटीज हैं, पर वो लोग क्या है, बिफोर लॉ इक्वल है। ये चीज़ गलत है, क्योंकि जो ज़्यादा अनइक्वल है, जिसके जो ज़्यादा नीचे है, उसको अपलिफ्ट करने के लिए कोई प्रोविजन नहीं है, क्योंकि सब इक्वल है, तो जो ऊपर है वो ऊपर ही रह जाएंगे और जो नीचे है वो नीचे ही रह जाएंगे, इसलिए इसको बोला गया है कि ये नेगेटिव कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ मतलब है पॉजिटिव कॉन्सेप्ट, इसलिए बोला गया है क्योंकि देखो जो नीचे ज़्यादा है उसके लिए कुछ प्रोविजन्स ऐसे बनाए हैं ताकि वो क्या हो, अपलिफ्ट करें, इसलिए इसको पॉजिटिव प्रोविजन बोला गया है। अब इक्वालिटी बिफोर लॉ में क्या है, नो स्पेशल प्रिविलेज, कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं है और किसी के फेवर, इन फेवर ऑफ एनीवन। ठीक है, हर किसी के फेवर में है। नेक्स्ट इसके बाद इसमें है कि देखो इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट इन इक्वल सर्कमस्टांसेस। ठीक है, हर एक तरह के सर्कमस्टांसेस को देखते हुए इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया गया है। देन इसके बाद इसमें और चीज़ें हैं, क्या है कि आर्टिकल 14 जो है परमिट करता है क्या, क्लासिफिकेशन बट प्रोहिबिट्स क्लास लेजिस्लेशन। ठीक है, देखो अब आर्टिकल 14 में हमने आपको बता दी इक्वालिटी बिफोर लॉ है और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है और इंडिया को यही करना चाहिए, तो आर्टिकल 14 में क्या इसके लिए परमिट किया गया है, देखो आर्टिकल 14 परमिट्स क्लासिफिकेशन बट प्रोहिबिट्स क्लास लेजिस्लेशन। ठीक है, यानी कि इसमें रीजनेबल क्लासिफिकेशन आता है। अब आप इक्वल प्रोटेक्शन दे रहे हो तो उसके बाद क्या आता है, आप कैसे क्लासिफाई करोगे लोगों को, ठीक है, रीजनेबली क्लासिफाई करोगे कि हाँ ठीक है तुम कम हो, तुम ज़्यादा कमज़ोर हो, तो चलो तुम्हें उठाया जाए। ठीक है, ऐसी वाली चीजें हैं। नेक्स्ट इसके बाद आता है आर्टिकल 14 जो है प्रोहिबिट करता है आर्बिट्रेरीनेस। ठीक है, आर्टिकल 14 देखो इसमें आपको क्या केस याद रखना है, आर के दालमिया, और इसमें आपको केस क्या याद रखना है, ईपी रोयप्पा। ठीक है, अब देखो ये जो मैंने आपको फर्स्ट पेज में बताया, ये एक तरह से समरी है पूरी आर्टिकल 14 की। ठीक है, एक तरह से ये ट्रिक्स हो गई आर्टिकल 14 की, आपको ये कुछ ऐसे यही पॉइंट्स याद रखने हैं जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको फर्स्ट पेज तो एनी हाउ याद करना है। अब हम आते हैं इस पे मैं आपको डिटेल में बताऊं कि इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्या है। देखो हमने रूल ऑफ लॉ पढ़ा होगा, डाइसीज रूल ऑफ लॉ, ठीक है, तो वही है इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कि नेगेटिव कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब देखो रूल ऑफ लॉ में ये बोला गया कि नो वन इज अबव लॉ, ये भी चीज अच्छी है, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी होना चाहिए कि इन जनरल क्या होना चाहिए, कोई भी अबव लॉ नहीं होना चाहिए। ठीक है, और कोई भी पर्सन जो है वो हार्श, अनसिविलाइज्ड या फिर डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट से जो है ट्रीट नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, तो डाइसीज रूल ऑफ लॉ में क्या चीज़ें थी, एब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरी पावर, जो कि हमने पढ़ा कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 14 के अंदर आर्बिट्रेरीनेस आती है। ठीक है, वो कहाँ से आती है, डाइसीज रूल ऑफ लॉ से आती है। तो हमने ये वाला जो पढ़ा आर्बिट्रेरीनेस, ये कहाँ से आती है, ये फर्स्ट पॉइंट से आती है। ये जो ये वाले पॉइंट है ये कहाँ से आती है, ये सेकंड पॉइंट से आती है। ये कहाँ से आती है, ये पॉजिटिव कॉन्सेप्ट से आती है। ये कहाँ से आती है, ये नेगेटिव कॉन्सेप्ट से आती है। ठीक है, सबको आर्बिट्रेरी कंडीशंस नहीं झेलनी पड़ेंगी।
तो सबसे पहला क्या होगा डाइसीज रूल ऑफ लॉ में, एब्सेंस ऑफ आर्बिट्री पावर, यानी कि यूनिफॉर्म लॉ टू पनिश फॉर ब्रीच ऑफ लॉ. नेक्स्ट इसके बाद है इक्वालिटी बिफोर लॉ, ऑफिशियल्स मस्ट बी रीजनेबली जस्टिफाइज. ठीक है, अब इसके एक्सेप्शंस क्या क्या हैं. ठीक है, एक्सेप्शंस मैंने बहुत शॉर्ट में बता दिए हैं. पहला एक्सेप्शन है, देखो ऑफिशियल्स जो है वो प्राइवेट इंडिविजुअल के इक्वल नहीं है, ऑफिशियल ऑफिशियल है. ठीक है, नेक्स्ट चीज है, ठीक है, तो ये इसका एक्सेप्शन है. नेक्स्ट इज नॉट सब्जेक्टेड टू क्लास इन सर्टन, किसी क्लास से सब्जेक्टेड नहीं है. नेक्स्ट है मिनिस्टर्स इंजॉय सर्टन प्रिविलेजेस, हाँ ठीक है, मिनिस्टर्स जो है वो इंजॉय करते हैं सर्टन प्रिविलेजेस. नेक्स्ट इसके बाद है स्पेशल लॉज फॉर सर्टन मेंबर्स, ठीक है, सर्टन मेंबर्स के लिए कुछ स्पेशल लॉज है. नेक्स्ट इसके बाद आ जाते हैं हम लोग इक्वालिटी, ठीक है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ. ठीक है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये इक्वालिटी आप वो छोड़ दो, ये है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ. ठीक है, अब देखो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्या है, पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है. ठीक है, अब इसमें क्या है, देखो सिमिलरली प्लेस थिंग्स शैल बी ट्रीटेड अलाइक. ठीक है, सिमिलरली प्लेस थिंग यानी कि मान लो एक दो अलग अलग लोग हैं, दोनों की हाइट डिफरेंट है, ये बहुत ही ज्यादा हम लोग ने मीम्स वगैरह में देखा होगा, दोनों की हाइट डिफरेंट है और दोनों को आपने एक एक लेवल का प्लेटफॉर्म दिया, तो गलत है ना, जिसकी हाइट कम है उसे तो नहीं दिख रहा है. तो ये चीज होती है रूल ऑफ लॉ कि सेम सिमिलर दिया है, पर आपने अगर डिफरेंट डिफरेंट हाइट्स का उनको प्लेटफॉर्म दिया ताकि ये दिख जाए सबसे छोटी हाइट वाले को सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म, है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ. ठीक है, अब इसमें क्या है, लॉ शुड बी इक्वली एडमिनिस्टर्ड अमंग इक्वल्स, है ना, ये चीज मैंने आपको समझाई, ऑल पर्सन्स आर नॉट अलाइक और इक्वल, देयरफॉर इट डज नॉट फॉरबिड डिफरेंट ट्रीटमेंट ऑफ अनइक्वल, सिंस सेम और यूनिफॉर्म ट्रीटमेंट ऑफ अनइक्वल्स इज एज बैड एज अनइक्वल ट्रीटमेंट ऑफ इक्वल. समझ में आ गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि सेम ट्रीट करोगे आप अनइक्वल को तो वो उतना ही बुरा है. कितना बुरा है, एज बैड एज अनइक्वल ट्रीटमेंट ऑफ इक्वल्स. ठीक है, वो उतना ही बुरा है जितना इक्वल लोगों को आप अनइक्वल ट्रीट करोगे, है ना. अब इसमें जो केस है वो है चिरंजीत लाल वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया. Everyone is not in same position, therefore universal application of law must not be there. ठीक है, हर कोई जो है equal नहीं है, equal position पे नहीं है, इसलिए जो है universal application of law must not be there. तो अब इसमें सबसे पहले आते हैं first चीज पे, वो है reasonable classification. ठीक है, reasonable classification जो है उसमें test दिया गया था कि reasonable classification कैसे पता करोगे, तो वो test दिया गया था K. Thimappa versus Union of India. ठीक है, दो अप्पे बनाए थे, ऐसे याद रखना. ठीक है, पहला अप्पा जो था वो इंटेलिजेंट था, ठीक है, दूसरा अप्पा जो था वो रैशनल था. ठीक है, तो पहला जो अप्पा था उसमें क्या था, इंटेलिजिबल डिफरेंशिया विच डिस्टिंग्विशेस पर्सन्स और थिंग्स दैट आर ग्रुप. ठीक है, रीजनेबल क्लासिफिकेशन पहले कैसे करोगे, इंटेलिजिबल डिफरेंशिया. ठीक है, ये पॉइंट बहुत जरूरी है याद रखना, इंटेलिजिबल डिफरेंशिया क्या होता है वो किसी और वीडियो में आप देख लीजिएगा, दूसरी वीडियो में इसकी, क्योंकि इसमें मैं आपको बहुत जल्दी जल्दी एज अ प्री पर्सपेक्टिव से समझाऊंगी. नेक्स्ट इसके बाद आता है दूसरा, डिफरेंशिया मस्ट हैव अ रैशनल रिलेशन टू द ऑब्जेक्ट सॉट टू बी अचीव्ड बाय द एक्ट. ठीक है, देखो अगर आप किसी को डिवाइड कर रहे हो, आप किसी को डिफरेंशिएट कर रहे हो, रीजनेबली क्लासिफाई कर रहे हो पॉजिटिव कॉन्सेप्ट से, ठीक है, आर्टिकल 14 के, तो उसको क्या होगा, पहले तो उसको क्या करोगे, इंसान को इंटेलिजिबल डिफरेंशिया, एक ऐसा डिफरेंशिया क्रिएट करोगे, उसको एक ऐसा डिफरेंशिया क्रिएट करोगे जो कि इंटेलिजिबल हो, यानी कि जो कि रीजनेबल हो, सही हो. ये नहीं कि तुम किसी भी फॉर्म में अरे शक्ल के हिसाब से तुम डिफरेंशिएट कर दोगे, ऐसा नहीं है. दूसरी चीज है डिफरेंशिया मस्ट हैव अ रैशनल रिलेशन टू द ऑब्जेक्ट. ठीक है, अब देखो जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या है, आपको उसे अपलिफ्ट करना है, तो अपलिफ्ट कैसे करोगे, जॉब से करोगे. जॉब कैसे मिलेगी, उसको एग्जाम दे के मिलेगी. तो कैसे डिफरेंशिया करोगे, कि इन्हें थोड़े से ज्यादा नंबर दे दोगे, यानी कि रिजर्वेशन वगैरह जो चीज आ गई, तो वो डिफरेंशिया जो है वो रैशनल रिलेशन कैसे होना चाहिए, ऑब्जेक्ट सॉट टू बी अचीव बाय द एक्ट. ऑब्जेक्ट क्या है, इन्हें जो है सोसाइटी में इक्वल रिस्पेक्ट दिलानी है, तो क्या गवर्नमेंट जॉब्स में आप इनको क्या दोगे, आप नंबर्स दोगे, ठीक है, सीट्स रिजर्व करोगे. तो वही होना चाहिए कि डिफरेंशिया मस्ट हैव अ रैशनल रिलेशन टू द ऑब्जेक्ट सॉट टू बी अचीव्ड बाय द एक्ट. ठीक है, तो क्या होना चाहिए, डिफरेंशिया इंटेलिजिबल और रैशनल होना चाहिए. ये कौन से केस में आता है, के. Thimappa वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया. ठीक है, बस ये चीज याद रखनी, के. Thimappa वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया. आर के डालमिया वाला केस भी था इसमें, और स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेज अनवर अली सरकार वाला केस भी है जो आता है इसमें, डिफरेंशिया कि वो बताता है डिफरेंशिया क्या है. ठीक है, और फिर इसके बाद आर के दालमिया बताता है गवर्न्स अ वैलिड क्लासिफिकेशन. ठीक है, वो बताता है कि वैलिड क्लासिफिकेशन कैसी है, कि सिंगल पर्सन कैन बी क्लासिफाइड, प्रिजम्पशन इन फेवर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ द स्टेट. ठीक है, लेजिस्लेशन इज फ्री टू रिकॉग्नाइज डिक्रीज ऑफ हार्म एंड कन्फाइन रिस्ट्रिक्शन वेयर नीडेड, गुड फेथ एंड नॉलेज ऑफ कंडीशन इज प्रेजेंट. ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली ये जो है आर के दालमिया जो है वो वैलिड क्लासिफिकेशन के बारे में बताता है.
नेक्स्ट इसके बाद है न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी. न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी आप इसका स्क्रीनशॉट लेके देख लीजिएगा, ठीक है. अब इसमें देखो ये है कि देखो वेदर लॉ सेटिस्फाई टेस्ट ऑफ आर्टिकल 14 और नॉट, ऑफ इट डज नॉट सेटिस्फाई देन इट इज इरेशनल, ठीक है. अगर जो लॉ है वो सेटिस्फाई नहीं कर सकता है आर्टिकल 14 का ये जो टेस्ट दिया गया है, तो वो क्या है, इट डज नॉट सेटिस्फाई, तो फिर क्या हो जाता है, वो इरेशनल हो जाता है, ठीक है. अब इसके बाद क्या है, इसीलिए क्या है, आर्टिकल 14 को कोई नई डायमेंशन मिली. कब मिली, ईपी रोयप्पा वाले केस में, ठीक है. उसको क्या बोलते हैं, आर्बिट्रेरीनेस, ठीक है. आर्बिट्रेरीनेस वाला पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये केस बहुत फेमस है, ईपी रोयप्पा वर्सेस तमिलनाडु, ठीक है. आर्बिट्रेरी किया पेरेंट्स ने तो उनका जो बच्चा था वो रो गया, ठीक है. और दूसरा केस है जो बहुत फेमस है इसमें, वो है आरडी शेट्टी वाला केस, ठीक है, आरडी शेट्टी. देन अब मैं इसके बारे में बताती हूँ आर्बिट्रेरीनेस क्या होता है. देखो इक्वालिटी क्या है, एक डायनेमिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, विद मेनी एस्पेक्ट ऑफ डायमेंशन एंड इट कैन नॉट बी क्रिप्ड कंबाइंड कन्फाइंड विद इन ट्रेडिशनल डॉक्ट्रिन्स, ठीक है. देखो अगर आप एलएलएम वगैरह कर रहे हो तो आपको ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा मिल जाएगा कि इक्वालिटी जो है कैन नॉट बी क्रिप्ड कंबाइंड कन्फाइंड विद इन ट्रेडिशनल डॉक्ट्रिन्स, ठीक है. तो इससे आप समझ जाओगे कि ये जो है यहाँ पे आंसर किसके बारे में लिखना है, आर्बिट्रेरीनेस के बारे में लिखना है, ठीक है. अब इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो आपको क्या है आपके आंसर में लिखने में जरूरत पड़ जाएगी, पर मैं आर्बिट्रेरीनेस आपको बता दूं. आर्बिट्रेरीनेस क्या होता है कि मान लो कोई गवर्नमेंट है वो खुद से अपने मन से कुछ भी लॉ बना रही है, ठीक है, आर्बिट्रेरीली बना रही है कोई भी लॉ, और कोई भी लॉ आर्बिट्रेरीली नहीं बना होना चाहिए. क्यों, क्योंकि वो आर्टिकल 14 को हार्म करता है. और मैं इस केस से यानी कि ईपी रोयप्पा वाले केस से एक लाइन बोलूंगी, इक्वालिटी एंड आर्बिट्रेरीनेस आर स्वॉर्न एनिमीज, ठीक है, ये तो इससे ही समझ में आ जाता है. दूसरी चीज जो है वो मेनका गांधी वाले केस में बोली गई थी, वो बोला गया था आर्टिकल 14 स्ट्राइक्स आर्बिट्रेरीनेस एंड इंश्योर्स फेयरनेस, ठीक है. आर्टिकल 14 क्या करता है, वो हटा देता है किसको, आर्बिट्रेरीनेस को, और इंश्योर करता है फेयरनेस. अब हम इसमें आगे पढ़ते हैं, इक्वालिटी आर्बिट्रेरीनेस आर स्वॉर्न एनिमीज, ठीक है, वन बिलोंग्स टू द रूल ऑफ लॉ. हाँ, एक जो है वो रूल ऑफ लॉ से रिलेटेड इक्वालिटी इन रिपब्लिक वाइल अदर टू द विम कैप्रीस ऑफ एन ऑब्स्टिकल मोनार्क, ठीक है, ऑब्सोलेट मोनार्क, सॉरी. विम कैप्रीस मतलब अरे उसके मन मौजे पे मर्जी है, ठीक है, उसके मन मौजी मर्जी पे डिपेंड करता है. वेर एन एक्ट इज आर्बिट्रेरी इट इज इम्प्लिसिट इन इट दैट इट इज अनइक्वल बोथ अकॉर्डिंग टू पॉलिटिकल लॉजिक एंड कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड देयरफॉर वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 14. हमें समझ में आ गया कि ये जो है वो वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 14 है, ठीक है. अब देखो इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी वाला भी एक केस था, इसमें काफी सारे केस आए थे, मैं कुछ ही केस बताऊंगी, ठीक है. एन एक्शन दैट इज आर्बिट्रेरी मस्ट नेसेसरली इन्वॉल्व निगेशन ऑफ इक्वालिटी, ठीक है. अगर कोई एक्शन आर्बिट्रेरली है यानी कि इक्वालिटी नहीं है, तो आप समझ जाओ अगर किसी बॉक्स में, ठीक है, एक बॉक्स बना दो, वहां पे आर्बिट्रेरीली है तो इक्वालिटी नहीं है, और अगर आर्बिट्रेरीली नहीं है तो इक्वालिटी है, ठीक है, को एग्जिस्ट नहीं कर सकती ये चीजें साथ में. मैंने आपको दो पॉइंट्स तो बता दिए थे स्टार्टिंग में, ये दो पॉइंट्स, ठीक है, कि एक होता है क्लासिफिकेशन रीजनेबल, क्लासिफिकेशन वगैरह से रिलेटेड, क्लास लेजिस्लेशन रीजनेबल, और दूसरा आर्बिट्रेरीनेस. दो पॉइंट्स और हैं जो आपको जरूरी नहीं है याद करना, पर मैं आपको बता रही हूं. पहला थर्ड है डॉक्ट्रिन ऑफ लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन, ठीक है. अब देखो आप क्या कर रहे हो, एक्सपेक्ट कर रहे हो किससे, अपने गवर्नमेंट से, तो उस चीज से रिलेटेड है. एक्सपेक्ट फ्रॉम अथॉरिटीज, आप अपनी अथॉरिटीज से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो आपके लिए जो लॉ बनाएंगे वो कैसा होगा, वो अच्छा होगा. तो इसमें क्या है, एक्सपेक्ट फ्रॉम अथॉरिटीज, ठीक है. अब देखो ये रिलेशनशिप किसके बारे में बताती है, इंडिविजुअल और पब्लिक अथॉरिटी के बारे में बताती है. और डालमिया केस में बोला गया था, आर के डालमिया केस में, कि लॉस मस्ट appreciate need of own people and discriminate on adequate grounds, ठीक है. यानी कि देखो आपको पता चल गया कि आपको आर्टिकल 14 में, ठीक है, आर्टिकल 14 में क्या है, आपको रीजनेबल क्लासिफिकेशन करना है इसमें. नेक्स्ट इसमें क्या, आपको आर्बिट्रेरीनेस नहीं करना है. तो इससे पता चल गया कि क्या एक्सपेक्ट करता है आपका इंडिविजुअल, एक्सपेक्ट करता है कि आप क्या है, अप्रिशिएट करो नीड ऑफ ओन पीपल को, और आप डिस्क्रिमिनेट तो करोगे, ठीक है. क्यों डिस्क्रिमिनेट करोगे, क्योंकि आर्टिकल 14 के जो सेकंड पार्ट है ना, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, उसके लिए डिस्क्रिमिनेट करोगे. पर हर चीज में डिस्क्रिमिनेट करना नहीं यार, डिस्क्रिमिनेट ऑन एडिक्वेट ग्राउंड पे आप डिस्क्रिमिनेट करोगे. तो ये होगा आपका थर्ड पॉइंट. फिर इसके बाद फोर्थ पॉइंट है कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ सेक्शन 118 ऑफ इंडियन सक्सेशन एक्ट, ठीक है. इससे रिलेटेड भी एक छोटी सी चीज है, वो है कि इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी जो है हमारे प्रीएम्बल में बताया गया था. और दूसरी चीज क्या है, स्टेट जो है सेक्युलर है. तो आर्टिकल 14 क्या करता है, आर्टिकल 14 इज वेयर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ प्रोटेक्ट्स इक्वालिटी बाय डिफरेंशिएटिंग एंड ट्रीटिंग डिफरेंट क्लासेस विद इन डिफरेंट राइट्स अंडर रीजनेबल क्लासिफिकेशन, ठीक है. बस इतना याद रखना है कि इसमें कुछ ऐसे चार पॉइंट कवर अप किए गए हैं, जिसमें से दो पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बाकी दो पॉइंट जो है वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है. तो आई होप आपको आर्टिकल 14 समझ में आया हो. अगर अच्छा लगा तो प्लीज डू लाइक शेयर कमेंट.
एंड प्लीज डू सब्सक्राइब. थैंक यू.